हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय जैन एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल श्रद्धा श्री जेम्स पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं आपके लिए लाया हूँ, बिल्कुल नेचुरल रूबी। मैंने पूरा इसकी डिटेल आपको पहले वाली वीडियो में दे रखी है कि रूबी में कौन कौन सी रूबी आती है, कहाँ की आती है, कैसे इसको पहने, क्या इसकी प्रोसेस है, मतलब खरीदने की, क्या देख के खरीदा जाए, ये पूरी डिटेल मैं पहले दे चुका हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली वो बना रहा हूँ नेचुरल रूबी सर्टिफाइड। जो नेचुरल रूबी सर्टिफाइड आती है वो सर्टिफिकेट कैसा आएगा, कैसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, क्या देख के खरीदें, तो सारी डिटेल के लिए। तो ये तीन वैरायटी आपके सामने मैंने रखी हुई है। एक वैरायटी ये वाली है, नेचुरल अनहीटेड अनट्रीटेड अफ्रीकन रूबी से बोलते हैं। एक वैरायटी ये वाली है, ये देखिए बिल्कुल नेचुरल रूबी है ये वाली। और एक वैरायटी ये वाली है, तीनों नेचुरल रूबी है। इसके अंदर वैरायटी हमारे पास और भी बहुत सारी अवेलेबल है। अभी मैं आपको केवल एक दिखा रहा हूँ नॉर्मली कि कैसे इसका सर्टिफिकेट आएगा और क्या चीज़ इसमें आपको देख के खरीदनी है। जो सबसे हल्की रूबी है, जो सर्टिफिकेट वाला पीस है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इसी में से एक पीस मैंने कोई सा भी सर्टिफिकेट करवाया, केवल क्लाइंटों की सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हर क्लाइंट की डिमांड है कि आईजीआई में नेचुरल आएगा या नहीं आएगा, हीटेड आएगा, ग्लास फिलिंग आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये नेचुरल रूबी है, अनहीटेड अनट्रीटेड। ये देखिए, माइनर ट्रांसपेरेंसी भी आपको इसमें दिख रही होगी। ये देखिए, अब मैं इसका सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ। इस पे वेट लिखा हुआ 5.81 कैरेट, और ये इसका सर्टिफिकेट। ये देखिए, गवर्नमेंट लेबल ये वाली, आईजीआई जीजेईपीसी की लेबल, 5.81 कैरेट है इसका वेट। सारा इस पे लिखा हुआ है, वन लूज जेम स्टोन, इसका सेप, इसका वेट, लास्ट में देखिए नेचुरल रूबी लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, नो इंडिकेशन ऑफ फिटिंग, नेचुरल, नो इंडिकेशन, नो ट्रीटमेंट इन्हांसमेंट, NTE, मतलब नो ट्रीटमेंट इन्हांस। अगर यहाँ हो ट्रीटमेंट होता तो यहाँ पे ये लाइन लिखी आती इसके अंदर। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक पीस मैंने टेस्ट करवाया है कि क्या लिख के देते हैं वो क्लाइंटों को दिखाने के लिए। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने, जो इंडिकेशन ऑफ फिटिंग विद, जो भी इनकी डिटेल, हर कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं तो वो अलग अलग हर चीज़ में अलग आएगी। अगर आपका नेचुरल है तो ये चीज़ लिखी हुई आएगी हर स्टोन के अंदर, नो इंडिकेशन ऑफ फिटिंग। तो आपने जब भी स्टोन खरीदना है ये वाली लाइन देखनी है, नो इंडिकेशन ऑफ फिटिंग आपको मिले। जो इनके टेस्ट होते हैं मेजरमेंट, वो यहाँ पर आते हैं कि उन्होंने कौन कौन से टेस्ट किए हैं स्टोन को चेक करने के लिए। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है, जो सर्टिफिकेट में इसके आगे कोई रिपोर्ट नहीं है अपने इंडिया के अंदर, अभी सबसे ज़्यादा चलने वाली रिपोर्ट है। ये देखिए, सेम ऐसे ही ये वाली क्वालिटी है। ये इससे ये पर्पल शेड में आ जाती है, और इसके बाद में जो क्वालिटी आती है ये वाली है। ये काफ़ी थोड़ा मतलब कलर इसका अच्छा होता है। ये देखिए, बिल्कुल लाल कलर का होता है, अनारदाना कलर इसे बोलते हैं। इसका भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, ये सर्टिफाइड पीस है इसका। और इसका जो वेट है 7.56 कैरेट है, और इसकी जो रिपोर्ट है ये है, इसमें भी सेम डिटेल लिखी हुई है, पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर अवेलेबल है, जैसा नेचुरल रूबी। और यही लाइन इसके अंदर है, नो इंडिकेशन ऑफ फिटिंग। कभी भी रूबी पहनो तो बिना ट्रीटमेंट वाली पहने, जिसके अंदर ट्रीटमेंट है, कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो चाहे ग्लास फिलिंग हो या हीटिंग हो या कोबाल्ट वाली फिलिंग हो, कोई सी भी हो, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इस पत्थर को हीट किया जाता है। तो इसके अंदर की जो पावर होती है, इसके अंदर जो नसें होती है, इसके अंदर जो सिम्टम होते हैं, वो सारे ब्लास्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो इसकी वर्क करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है स्टोन की। तो ऐसा स्टोन ना पहने जो कि वर्क ही ना करे। मैंने आपको लास्ट वीडियो आप मेरा देखोगे तो आप उसमें मैंने दिखा रखा है कि ग्लास फिलिंग में और नेचुरल स्टोन में क्या फ़र्क आता है। नेचुरल स्टोन थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन देखने इसमें ट्रांसपेरेंसी वैसे देखेंगे तो विजिबल पास नहीं होगी, लेकिन वर्क यही स्टोन करते हैं। सेम इसमें सेप का चेंज है, बाकी सेम क्वालिटी है ये वाली भी, यही क्वालिटी है। सेप इसमें ओवल है और इसके अंदर एमरल्ड कट है। ये देखिए, इस वाले स्टोन का ये रहा सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड स्टोन इसका ये रहा 5.53 कैरेट, और इसका सर्टिफिकेट ये रहा, ये देखिए 5.53 नेचुरल, नो इंडिकेशन वाली लाइन, और वही जीजेईपीसी की रिपोर्ट। तो ये है दोस्तों रूबी की डिटेल। तो कभी भी आपने इन फ्यूचर रूबी खरीदनी हो तो कोशिश करें कि नो हीटेड, नेचुरल और इंडियन की जगह अफ्रीकन रूबी लें, क्योंकि बर्मिस, इससे अच्छी बर्मिस होती है, मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो बाकी बर्मिस में प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी में जाएंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस होते हैं।
तो आप उस पे ना जाके नेचुरल रूपे पे इस वाली क्वालिटी पे या इस पे भी जाएं तो आपका वर्क 100% सोल्व होगा। आपका बजट नहीं है तो आप इस वाली रूपे पे भी जा सकते हैं। मैं प्राइस की बात करूं, कोई ज़्यादा महंगी रूबी नहीं है ये, नेचुरल रूबी में ये वाली क्वालिटी आपको मात्र 1,000 रुपये कैरेट अवेलेबल है। 1,000 रुपये कैरेट में ये वाली क्वालिटी आपको मिल जाती है। ये देखिए, ये वाली क्वालिटी अगर आप बात करें तो 2,500 से लेकर 3,000 रुपये की रेंज में आती है। वो डिपेंड करता है कि पत्थर कैसा है, शेप कैसी है, कट कैसा है, सारा देखना पड़ता है। तो कुछ पीस इसमें 2,500 के भी निकलते हैं, कुछ 3,000 के भी निकलते हैं। सेम इसके अंदर होता है, 2,500 में भी और 3,000 में भी अवेलेबल है दोनों चीज़ें। बाकी आपको इससे कम रेंज में चाहिए तो सेम क्वालिटी 1,500 भी आती है, लेकिन उस वाले में ना पत्थर में ब्लैक स्पॉट्स आते हैं अंदर 1,500 रुपये में। तो ब्लैक स्पॉट्स वाला बेसिकली पहनना नहीं चाहिए, लेकिन अब इतना क्वांटिटी खरीदते हैं तो इनमें कुछ पीस आ जाते हैं हमारे पास भी, तो बेचने तो पड़ते ही हैं। किसी का नहीं बजट है तो फिर देना पड़ता है। कई क्लाइंट स्पेशली ले लेते हैं कि चलो बजट नहीं है, ब्लैक स्पॉट आ रहा है तो आ रहा है, दे दो जी, तो वो वाली बात है। बाकी ये चीज़ अवेलेबल है, तो कोशिश करें जब भी स्टोन पहने नेचुरल पहने, नो हीटेड नो ट्रीटेड रूबी पहने। इसके अंदर अगर आपको थोड़ी, अगर आपका बजट वगैरह होता है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी आते हैं रूबी के अंदर। काफ़ी कहते हैं कि रूबी बहुत महंगा स्टोन है, हीरे से भी महंगा अगर कोई स्टोन है तो वो रूबी है, माणिक। अगर आपने कहावत सुनी हो तो पुराने ज़माने में कहा करते थे कि हीरे की रूबी की दलाली में हीरे दिया करते थे, अगर आपने सुना हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि रूबी कितनी महंगी होती है। ये देखिए, ये रूबी मैं आपको दिखा रहा था। अगर आप थोड़ी ऊंची रेंज पे जाएं, अच्छी चीज़ पे जाएं, ये देखिए इसमें ना ट्रांसपेरेंसी आती है, ये वाली है। इसका दूसरा पीस आपको दिखाता हूँ, ये भी सर्टिफाइड है। ये देखिए, ये नेचुरल रूबी है, अनहीटेड अनट्रीटेड। इस वाले लॉट में भी मेरे पास कुछ पीस अवेलेबल है, और ये भी जयपुर की ही रेपुटेड लेब है, IGI TL मुस्तकीम खान। अगर आपने जेम स्टोन की उसमें नाम सुना हो, मुस्तकीम खान, तो काफ़ी अच्छी सर्टिफिकेट होते हैं इनके भी। और इस वाली ये क्वालिटी जो बेसिकली है वो 6,000 पर कैरेट की है, और इसके अंदर मेरे पास ये पीस अवेलेबल है, 5.01 कैरेट, 6.77, 4.92, 5.18 जो मैंने आपको दिखाया था अभी, 5.85, ये पीस इसके अवेलेबल हैं। बाकी रूबी मेरे पास काफ़ी अवेलेबल है, और भी अगर आपको अच्छी रेंजों में चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अभी जो बेसिकली मैंने सर्टिफिकेट करवाए हैं वो ये वाले करवाए हैं, ओवल वाले शेप में। मेरे पास जो वेट अवेलेबल है वो ये है, 5.73 कैरेट, 5.04 कैरेट, 5.5 रत्ती, 6.75 सवा 7.5 रत्ती, 4.80 कैरेट, 6.13 कैरेट और 6.52 कैरेट। इसमें एक पीस शायद ये वाला 1,000 रुपये कैरेट का है, 4.80 कैरेट, इस वाली क्वालिटी का है। इसमें भी ये 6.82 जो एमरल्ड कट वाला है उसमें 6.82 कैरेट अवेलेबल है, 5.76 कैरेट अवेलेबल है, 6.60 कैरेट अवेलेबल है। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप बोलेंगे हम आपको सर्टिफिकेट करवा के दे सकते हैं। शिपिंग हमारे यहाँ से वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, कोरियर हमारे यहाँ से जहाँ बोलोगे वहाँ कर देंगे, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। कैश ऑन डिलीवरी किसी भी भाई को चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी हम अपने यहाँ से लगा सकते हैं। उसके लिए आपको टोकन अमाउंट हमारे को एडवांस देना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बाकी बैलेंस कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हो। तो सारा ऑप्शन अवेलेबल है। किसी को भी अगर नेचुरल रूबी चाहिए अनहीटेड अनट्रीटेड तो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल रिजनेबल रेट पे, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ मिलेगी। क्वालिटी और प्राइस की पूरी गारंटी है, कहीं भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं क्वालिटी का और प्राइस का। बिल्कुल नेचुरल ही मिलेगा जो मिलेगा। अगर हीटेड अगर दे रहे हैं तो हम पहले किसी को बताएंगे कि ये हीटेड है, वर्क नहीं करेगा। अगर उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमें शौक से पहनना है तो वो चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए, बाकी कोशिश है हमारी कि जो बेस्ट टू बेस्ट क्लाइंटों को वो हम अवेलेबल करवाएं। ओके दोस्तों, किसी को अगर रूबी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और भी किसी को कोई स्पेशल रूबी के अंदर कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कोई नई वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी ही आपके पास आऊँगा। थैंक यू सो मच।